बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर सियासत हुई तेज। केंद्रीय मंत्री आर के सिंह ने कहा चंद्रशेखर पर चलना चाहिए मुकदमा। मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का पलटवार, कहा ऐसे लोगों को शिक्षा मंत्री पद से हटा देना चाहिए। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर बोले तेजस्वी यादव, अपने काम पर ध्यान दें मंत्री, सभी के आस्था का सम्मान जरूरी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का सनातन को लेकर इंडिया गठबंधन पर निशाना, कहा सनातन के खिलाफ छात्रों को भड़काना दुष्ट मानसिकता है। सनातन के मुद्दे पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा सनातन पर गलत बयान देने वाले मानसिक रूप से बीमार हैं। सनातन पर हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का बयान, कहा सनातन से ही देश का अस्तित्व, राजनीतिक मकसद से सनातन को गाली देना दुखद। बीजेपी नेता नलिन कोहली का विपक्षी गठबंधन पर निशाना, कहा मोदी विरोधी इंडिया गठबंधन का एकमात्र एजेंडा। नए संसद भवन में मंत्रियों के लिए कमरे आवंटित, विशेष सत्र से पहले केंद्रीय मंत्रियों को आवंटित किए गए कमरे। नए संसद भवन के अपर ग्राउंड फ्लोर पर है गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कमरा। अपर ग्राउंड फ्लोर पर स्मृति ईरानी और पीयूष गोयल समेत 11 वरिष्ठ मंत्रियों के लिए कमरा आवंटित। पैसिफिक फ्लीट पर आज न्यूक्लियर सबमरीन का मुआयना करेंगे किम जोंग उन, रूसी युद्ध पोतों का दिखाया जाएगा शानदार प्रदर्शन। यूक्रेनी सैनिकों के समूह एटम ने रूसी टैंक पर ड्रोन से गिराए बम, जोरदार धमाके के साथ तबाह हो गया रूसी टैंक। यूक्रेनी सैनिक कर्मियों का रूसी ठिकानों पर हमला, लुहांस के रायहो रोडका गांव में रूसी बख्तरबंद वाहन को किया तबाह। यूक्रेनी सेना का दक्षिणी इलाके में रूसी सैन्य ठिकाने पर भीषण हमला, धमाके के साथ खाक हो गया रूसी टैंक। रोमानिया के रक्षा स्टाफ के उप प्रमुख का ऐलान, खतरा होने पर सभी सैन्य शक्तियों का उपयोग करेगा रोमानिया, यूक्रेनी सीमा पर भेजे 600 सैनिक और रडार। बेल्जियम के रक्षा मंत्री लुडविन डेडोंडर का ऐलान, यूक्रेनी पायलटों की ट्रेनिंग के लिए F-16 उधार देगा बेल्जियम। रूसी सैनिकों ने यूक्रेनी सेना पर बरसाए बारूद, ऑटोमेटिक मोर्टार से यूक्रेनी सैन्य ठिकाने और जवानों पर किया हमला। चेचनिया के नेता रमजान कादिरोव की हालत गंभीर, कोमा में जाने पर चेचनिया भेजे गए कादिरोव, इलाज के लिए यूएई स्थानांतरित किए जाने की संभावना। टूनिस के होलिवका में रूसी सैन्य ठिकानों पर बड़ा हमला, रूसी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कॉम्प्लेक्स साइलोक M1 तबाह। अमेरिकी उपरक्षा मंत्री विलियम लाप्टांटे ने घोषणा की यूक्रेन के लिए प्रतिमाह 1,00,000 गोला बारूद उत्पादन करेगा अमेरिका। छत्तीसगढ़ दौरे पर सीएम केजरीवाल जगदलपुर में रैली को करेंगे संबोधित, 10वीं गारंटी का भी करेंगे ऐलान। पंजाब के मोहाली में केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा डबल इंजन की सरकार सिर्फ जुमला, नए इंजन की सरकार से इंकलाबी बदलाव। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर दिग्विजय सिंह का तंज, कहा कांग्रेस ने महाराज कहा वो बीजेपी में जाकर भाई साहब हो गए। एमपी के छिंदवाड़ा में आज जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होंगी स्मृति ईरानी, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। अमेठी में बिना दरवाजे के सार्वजनिक शौचालय का वीडियो वायरल, यूपी कांग्रेस ने स्मृति ईरानी पर साधा निशाना। बिहार के दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह मधुबनी और अररिया में जनसभा को करेंगे संबोधित, एसएसबी के आवासीय भवन का करेंगे उद्घाटन। हैदराबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक आज, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा। अफजल अंसारी की गैंगस्टर मामले में दोष सिद्धि पर रोक की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने अफजल की याचिका पर नोटिस जारी किया, 25 सितंबर को होगी सुनवाई। तेलंगाना के सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल पारित कराने की मांग। अली जौहर ट्रस्ट मामले में आजम खान के घर आईटी की रेड खत्म, आयकर विभाग की टीम ने 60 घंटे तक खंगाले दस्तावेज। यूक्रेनी सेना की इकाई आसगार्ड का कामिकाजी ड्रोन से रूसी टैंक पर जोरदार हमला, धमाके के साथ तबाह हो गया रूसी टैंक। रूसी कब्जेदारों पर क्रूज मिसाइलों से कह डारा यूक्रेन, बम वर्षक विमान Su-24M से गिरा रहा ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो और फ्रांस की स्काल्पीजी। सेवरस्की में रूसी सैनिकों ने यूक्रेन सैन्य ठिकानों पर तोप से बरसाए बारूद, हमले में मारे गए यूक्रेनी सशस्त्र बलों के 5 जवान। रूस ने नोवाकोवका पर विमान से गिराए बम, प्रत्यक्षदर्शियों का दावा विस्फोट से पहले सुनी सीटी की आवाज। बाखमुट के जंगलों में रूसी सेना का हवाई हमला, यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को ड्रोन से किया टारगेट। रूसी सेना की कार्रवाई में मारे गए हजारों नागरिक, मारियोपोल में हुए रूसी हमले में ही अब तक मारे गए हैं 87,000 यूक्रेनी सैनिक। पुतिन ने बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको के साथ की चर्चा, का यूक्रेन से विशेष अभियान में शामिल होंगे 3,00,000 वॉलंटियर्स।
प्रिमोर्स्की क्रॉय की यात्रा के दौरान बोले रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगू, नई परमाणु पनडुब्बियां और अंडरवाटर ड्रोन विकसित कर रहा है रूस। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से व्हाइट हाउस में 21 सितंबर को मिलेंगे यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की, सैन्य मदद पर होगी चर्चा। व्हाइट हाउस के एनएसए जैक सुलिवन बोले महत्वपूर्ण समय में हो रही बाइडेन के साथ जेलेंस्की की तीसरी बैठक, जब उत्तर कोरिया जैसे देशों से मदद चाहता है। आजम खान के घर आईटी की रेड पर अखिलेश यादव का ट्वीट, लिखा ये जुल्म की दास्तां की एक और कहानी है, जनता सब समझ रही है। राहुल नवीन होंगे ईडी के कार्यकारी निदेशक, नए निदेशक की नियुक्ति तक राहुल नवीन संभालेंगे पद। कल दिल्ली में नई मेट्रो लाइन का उद्घाटन करेंगे पीएम, द्वारका सेक्टर 21 से सेक्टर 25 तक नई मेट्रो लाइन का होगा उद्घाटन। जयपुर पेपर लीक मामले में बाबूलाल कटारा को 3 दिन की ईडी रिमांड, अनिल मीणा को भी ईडी ने रिमांड पर लिया। अभिनेता गोविंदा से ओडिशा पुलिस कर सकती है पूछताछ, पूंजी घोटाले में ईओडब्ल्यू कर सकती है पूछताछ। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में लगातार पांचवें दिन आतंकियों से एनकाउंटर जारी, कोकराना के जंगलों में ड्रोन से हो रही है तलाश। कोकरनाग के जंगलों में छिपे आतंकियों पर ड्रोन से बमबारी जारी है, सुरक्षा बलों ने लश्कर के 2-3 आतंकियों को घेरा। गुजरात के खेड़ा में शिव शोभा यात्रा के दौरान पथराव हुआ, कई पुलिस वाले भी घायल, तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात। झारखंड धार्मिक न्यास बोर्ड के खिलाफ हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, पहाड़ी मंदिर और संकट मोचन मंदिर ट्रस्ट की कमेटी को भंग करने से नाराज। यूपी के बलिया में चाकूबाजी की घटना में एक शख्स की मौत, एक घायल, पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। यूके ने वैगनर को आतंकी संगठनों की सूची में शामिल किया, वैगनर से जुड़ने या समर्थन करने पर 14 साल तक जेल की सजा, जुर्माने का भी प्रावधान। जर्मन रक्षा मंत्री प्रस्टोरियस ने जताई संभावना यूक्रेन को जल्द ही टॉरेंस मिसाइलें दे सकता है। जब यूक्रेनी सेना ने पकड़े गए रूसी सैनिकों को किया प्रताड़ित, रूसी सैनिकों को बारूदी सुरंग में चलने के लिए मजबूर किया गया। केर्सन में रूसी सेना के हमले का सामने आया वीडियो, यूक्रेनी सशस्त्र बलों के ठिकाने पर किया तबाह। जेलेंस्की ने कैबिनेट, कानून प्रवर्तन और भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक, लोकतंत्र की अवधारणा मजबूत करने पर की चर्चा। सेंट पीटर्सबर्ग में बुखारेस्ट काया स्ट्रीट पर एक शॉपिंग सेंटर में लगी भीषण आग, रेस्टोरेंट में आग लगने से धू धू कर जलने लगी इमारत। रूस के समारा बेयरिंग प्लांट में लगी भीषण आग, फैक्ट्री परिसर के 100 वर्ग मीटर का इलाके में फैली तेल में लगी आग। रूस के कैप्टोवे में तिमेरिया जेव पार्क के पास ग्रीन हाउस में लगी भीषण आग, काले धुएं से भर गया आसमान, मौके पर पहुंची आपातकालीन सेना। वैश्विक निगरानी प्रणालियों में किया गया दावा, उत्तर कोरिया ने रूस के गोले और रॉकेट बम सहित पारंपरिक हथियारों की आपूर्ति। यूरोपीय संघ का ऐलान, 5 सदस्य देशों के यूक्रेनी अनाज पर आयात प्रतिबंध आज आधी रात से समाप्त। पटना के फुलवारी शरीफ में बदमाशों ने युवक की गोली मारकर हत्या की, पुलिस की टीम बदमाशों की तलाश में जुटी। बिहार के वैशाली में मछली व्यापारी की हत्या से नाराज लोगों ने किया हंगामा, सड़क जाम कर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। असम के करीमगंज में पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार, 40,000 याबा टैबलेट बरामद। एमपी के छतरपुर में पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया, अस्पताल में मरीजों का चुरा रहा था सामान। यूपी के गाजियाबाद में हनी ट्रैप रैकेट का भंडाफोड़, 2 महिलाओं समेत 3 लोग गिरफ्तार, अश्लील वीडियो बनाकर लोगों को करते थे ब्लैकमेल। गुवाहाटी में पुलिस ने अवैध रूप से कॉल सेंटर चला रहे 3 लोगों को गिरफ्तार किया, साथ ही कॉल सेंटर में काम कर रहे 191 लोगों को हिरासत में लिया। महाराष्ट्र के ठाणे में 3 मंजिला इमारत गिरी, मलबे में दबने से 2 लोगों की मौत, राहत बचाव कार्य जारी। कोलकाता के चांदनी मार्केट की एक बिल्डिंग में आग लग गई, फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गुजरात के दाहोद में स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में लगी भीषण आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में पाकिस्तान सरकार बेच रही रूजवेल्ट होटल, नीलामी के लिए सरकार ने 9 अक्टूबर तक मांगे आवेदन। पाकिस्तान सरकार ने 26.02 रुपए प्रति लीटर बढ़ाई पेट्रोल की कीमत, अब 331.38 रुपए प्रति लीटर हुआ पेट्रोल। रस्कोस्मोस में मानवयुक्त अंतरिक्ष यान सोयूज MS-24 पृथ्वी की निचली कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च। मिस्र में चल रहा ब्राइट स्टार 23 अभ्यास समाप्त, INS सुमेधा ने कई नौसेनाओं के साथ ब्राइट स्टार 23 में अभ्यास में हिस्सा लिया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सोनक ने अमेरिकन एक्सेल बोली नस्ल को बताया खतरनाक, ब्रिटेन में बढ़ रहे हमलों के
कारण लगाया प्रतिबंध। रूस की सीमा के पास अजरबैजान में पुलढा नदी में कार गिरने से 3 लोग घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया। अल्जीरिया के बेजोआ में जंगल में लगी भीषण आग तेज हवाओं के कारण फैलती जा रही है। तालिबान ने अफगानिस्तान के घोर में अंतर्राष्ट्रीय सहायता मिशन के 18 कर्मचारियों को किया गिरफ्तार, सभी गिरफ्तार कर्मियों को काबुल लाया गया। हवाई में जंगल की आग से मरने वालों की संख्या 97 और लापता लोगों की संख्या 31 हुई। पिछले महीने माउई द्वीप पर लगी थी जंगल में। स्पेन में भारी बारिश के कारण मार्सिया प्रांत में आई बाढ़, पानी में तिनके की तरह बह गई कई गाड़ियां। लखनऊ के पीडब्ल्यूडी कर्मचारी संघ के चुनाव के दौरान बांटी गई धार्मिक किताबें, कर्मचारियों ने जताया एतराज, अध्यक्ष और मंत्री से की शिकायत। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में 2 युवक गिरफ्तार, स्कूल में ड्रेस की नाप लेने के दौरान छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोप। दिल्ली में आवारा कुत्तों का आतंक, मॉर्निंग वॉक के दौरान महिला पर कुत्तों ने किया हमला, गिरने से महिला की पैर की हड्डी टूटी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में कार नदी में गिरी, हादसे में एक महिला समेत 4 लोगों की मौत, गंगोत्री हाईवे पर हादसा हुआ। हरिद्वार के पास भारी बारिश के चलते नदी में फंसी भारत नेपाल मैत्री बस, एसडीआरएफ की टीम ने सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला। मध्य प्रदेश के इंदौर में भारी बारिश को लेकर आज बंद रहेंगे स्कूल, 1ली कक्षा से 12वीं कक्षा तक के निजी और सरकारी स्कूलों में डीएम ने अवकाश घोषित किया। इतिहास बनी मुंबई की डबल डेकर बस, मुंबई में डबल डेकर बस का संचालन हुआ बंद, साल 1937 से मुंबई में हो रहा था संचालन। वायुसेना की ओर बढ़ेगी ताकत, सरकार ने 12 सुखोई 30 एमकेआई विमान खरीदने की मंजूरी दी, मेक इन इंडिया के तहत एचएएल करेगा विमानों का निर्माण। जयपुर में एयर शो के दौरान लड़ाकू विमानों ने दिखाए हैरतअंगेज करतब, सूर्य किरण एरोबेटिक का टीम का करतब देख झूम उठे। कैनेडियन सिंगर शुभ उर्फा शुभनीत सिंह के शो को लेकर बवाल, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शो के पोस्टर फाड़े।